नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर लेकर अपना नया वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो स्कीम आजकल चल रही है उसके बारे में। इसमें हम आपको स्कीम की बेसिक जानकारी देंगे और बताएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं क्वेश्चंस उनके बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कि जैसे कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, क्या हम प्लॉट्स को ड्रॉ में निकलने के बाद बेच सकते हैं, कब इनकी रजिस्ट्री होगी, क्या अलॉटमेंट प्राइस है, कितने में कितना हमें पैसा इसमें भरना पड़ सकता है, किस साइज में हम अगर अप्लाई करें तो बेस्ट रहेगा, और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नोट कर रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सभी को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये यमुना अथॉरिटी की स्कीम है, और इस स्कीम का जो कोड है वो है RPS08 2024। अगर आप सर्च करते हैं तो आप इस स्कीम का कोड डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कीम पहले भी निकली हुई है, तो इस स्कीम के कोड के हिसाब से आप इसको गूगल में या और कहीं इसका रेफरेंस नंबर है इसे सर्च कर सकते हैं। ये स्कीम ओपन हुई थी 5 जुलाई 2024 को, और ये स्कीम क्लोज हो रही है 5 अगस्त 2024 को, और इसका जो ड्रॉ निकल रहा है वो निकल रहा है 20 सितंबर 2024 को। और इसमें जो प्लॉट साइज है, 120 मीटर का प्लॉट है, 162 मीटर का है, 200 मीटर का है, 300 मीटर का है, 500 मीटर का है, 1000 मीटर का है और 4000 मीटर का है। ध्यान रहे कि यहाँ पे 2000 का साइज भी है, लेकिन इस स्कीम में 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है। अब कौन कौन से सेक्टर में आ रही है, ये आ रही है सेक्टर 16, जो नया अभी यमुना अथॉरिटी ने 2-3 साल पहले लॉन्च किया था सेक्टर 16। उसके बाद सेक्टर 18-20 जो 2009 के सेक्टर हैं, बहुत पुराने, काफ़ी डेवलप्ड हैं ये सेक्टर 18-20 के अंदर, और 22D भी 2015 में जो प्लॉट्स लॉन्च हुए थे उनका, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है और काफ़ी प्लॉट्स इसमें डिमार्केटेड है, तो 22D के अंदर। अब हम बात करते हैं कि किस साइज में कितने प्लॉट अथॉरिटी ने निकाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, 120 मीटर में टोटल 84 प्लॉट हैं। सबसे टोटल जो 361 प्लॉट निकले, 120 मीटर में 84, 162 मीटर में 77 प्लॉट्स हैं, 200 मीटर में केवल 3 प्लॉट हैं, 300 मीटर में 131, 500 मीटर में 40 प्लॉट हैं, 1000 मीटर में 18 और 4000 मीटर में 8 प्लॉट हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, यमुना अथॉरिटी की ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां से आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ICICI बैंक से भी इसको आप फाइनेंस करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन जो काफ़ी हमारे क्लाइंट पूछते हैं हमसे फ़ोन करके, कि किस साइज़ में अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल लॉजिक है कि जिस साइज़ में ज़्यादा प्लॉट्स हैं एक तो वो पिक करें, और अगर साइज जो बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइज 120 मीटर और 162 मीटर है, 162 मीटर का साइज है तो 162 मीटर में जाए। बड़े साइज में एप्लीकेंट्स कम है, छोटे साइज में एप्लीकेंट्स ज्यादा आते हैं। अगर हम पिछले 2-3 साल की जो स्कीम आई है उनके ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, तो हमने देखा है कि जो छोटे साइज के प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर काफी एप्लीकेंट्स आते हैं। 120 मीटर का पहले सबसे छोटा प्लॉट होता था, और उसके अंदर 70,000 80,000 तक एप्लीकेंट्स उसके अंदर आते थे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम बन जाती है। आज अगर मैं इस टेबल को देखता हूं, तो इस टेबल को देखने में मुझे 300 स्क्वायर मीटर बेस्ट साइज लगता है। इसमें 131 प्लॉट हैं, उसके बाद 500 स्क्वायर मीटर भी अच्छा है क्योंकि उसमें 40 प्लॉट्स हैं, और 1000 मीटर ऑब्वियसली क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें भी जा सकते हैं आप। 18 मीटर अगर किसी का बजट 1000 मीटर का है तो 18 प्लॉट हैं, और 4000 मीटर में मेरे को लगता है कि 8 प्लॉट हैं टोटल, इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो इसमें अमाउंट है वो भी काफ़ी आपका अमाउंट जाएगा। लगभग 10% के करीब आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। 120 मीटर में 3 लाख है, ऐसे ही 500 मीटर में लगभग 12,95,000 है, तो इतना अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। किस रेट पर लॉन्च हो रहे हैं, तो 25,900 का यहाँ पे अलॉटमेंट रेट इस स्कीम में है। सर्कल रेट भी यही है, यहाँ पे 25,900 का ही सर्कल रेट है। अब एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमसे काफ़ी पूछते हैं, कि अगर मान लीजिए उनका प्लॉट ड्रॉ में निकल आता है, क्या वो इमीडिएटली इसको सेल कर सकते हैं? जी नहीं, ये प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अथॉरिटी जो आपका ड्रॉ में निकालती है, उसके बाद उसमें आपको लगभग 5 साल का टाइम देती है कि उसमें रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी, और मैक्सिमम टाइम आपको दिया है, तो आप रजिस्ट्री के बाद ही बेच सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कई बार जो प्लॉट निकल आता है और वो डेवलप्ड पॉकेट में है, तो अथॉरिटी 5 साल की जगह आपकी 6 महीने में रजिस्ट्री करा दे, 1 साल में रजिस्ट्री करा दे, आपको चेकलिस्ट भेज दे तो आपकी रजिस्ट्री हो जाए, तो आप उसको रजिस्ट्री के तुरंत बाद उसको सेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, के
क्या हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइंटली, अलग अलग नहीं कर सकते एक ही प्लॉट के लिए। एक ही प्लॉट के लिए या तो हस्बैंड अप्लाई कर ले या वाइफ अप्लाई कर ले या दोनों मिलकर अप्लाई कर ले। ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड ने एक प्लॉट अप्लाई किया है और दूसरा प्लॉट वाइफ ने अप्लाई किया है, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। और फैमिली में आपका जो बेटा है वो अगर मेजर है, माइनर नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। आपके फादर मदर वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और सिस्टर है ब्रदर है तो वो अलग फैमिली माने आते हैं, तो वो अलग से अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम कितना होता है? तो कंस्ट्रक्शन टाइम आपका रजिस्ट्री के बाद स्टार्ट होता है, तो 3 साल का इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम आपका आता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन जो हमारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए उनका प्लॉट ड्रॉ में नहीं निकला है तो उसके बाद कितने दिन में उनका पैसा वापस आ जाएगा? तो देखिए 3 महीने का जनरली टाइम होता है, लेकिन जो पिछले ट्रेंड रहे पिछली स्कीम के 2-3 स्कीम के, तो उसमें 1 महीने में ही आपका पैसा वापस आ जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि ये फ्री होल्ड है लीज होल्ड है, तो मैं आपको बता दूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यहाँ पे जितनी भी अलॉटमेंट वाली अथॉरिटी की अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं सब लीज होल्ड होती हैं। 90 ईयर्स, पहले 99 ईयर्स होती थी, अब 90 ईयर्स के लिए लीज होल्ड होती हैं। एक और क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, क्या हम ज्वाइंट नेम में अप्लाई कर सकते हैं? मतलब फ्रेंड्स ज्वाइंट नेम में कोई दोस्त वगैरह या रिलेटिव वगैरह ज्वाइंटली अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, केवल ज्वाइंटली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ब्लड रिलेशनशिप में हैं। फॉर एग्जांपल दो ब्रदर सिस्टर, दोनों सिस्टर अप्लाई कर सकती हैं, ब्रदर सिस्टर अप्लाई कर सकते हैं, मदर सन अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप ब्लड रिलेशन में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या लोन्स अवेलेबल हैं? जी हाँ, जैसे मैंने बताया था ICICI बैंक आपको फॉर्म भरने के लिए फाइनेंस भी करता है, प्लस इन प्लॉट्स के ऊपर लोन भी देता है। तो आशा है हमने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने का। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो आज की स्कीम के ऊपर, जो स्कीम चली हुई है यमुना अथॉरिटी की, इसकी हमने जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।